उत्तर प्रदेश की बरेली लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। पीएम मोदी इस सीट पर दो बार रैली कर चुके हैं, एक रोड शो कर चुके हैं, जिसके बाद बरेली हॉट सीट बन चुकी है। बरेली का समीकरण क्या है और यहाँ के उप प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन है, आइए जानते हैं। बरेली को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले 40 सालों से बरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 35 साल में पहली बार बरेली लोकसभा सीट का चुनाव बिना संतोष गंगवार के हो रहा है। इस बार बीजेपी नेतृत्व ने संतोष गंगवार की उम्र को देखते हुए उन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए इस सीट पर लड़ाई बेहद रोचक हो रही है। संतोष सिंह गंगवार का टिकट काट बीजेपी ने दो बार के विधायक और यूपी सरकार में मंत्री रहे छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया है। संतोष गंगवार का टिकट कटने को लेकर शुरुआत में पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने रुहेलखंड में हुई अपनी जनसभाओं में मंच पर संतोष गंगवार को स्थान देकर इस नाराजगी को दूर कर दिया। छत्रपाल सिंह गंगवार भी संतोष गंगवार की तरह जीत दर्ज कर पाएंगे, ये कहना इस बार जल्दबाजी होगी, और इसकी वजह है प्रवीण सिंह एरन। प्रवीण सिंह एरन कांग्रेस और सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। 1984 के बाद से अब तक सिर्फ एक बार ही संतोष गंगवार हारे और उन्हें प्रवीण सिंह एरन नहीं हराया था। तब प्रवीण सिंह एरन कांग्रेस की टिकट पर खड़े हुए थे। इस बार संतोष सिंह के चुनावी मैदान में ना होने और गठबंधन ने प्रवीण सिंह एरन की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। संतोष गंगवार के ना होने से कहीं ना कहीं प्रवीण सिंह एरन की राह आसान हो सकती है। जब प्रधानमंत्री ने बरेली में रोड शो किया तो उन्होंने संतोष गंगवार को बहुत महत्व दिया, इसकी काफी चर्चा भी हो रही है। अब बीजेपी प्रत्याशी के सामने जो दिक्कत थी वो थोड़ी कम हुई है। वास्तव में बसपा ने यहाँ पर कुर्मी समाज के ही छोटे लाल गंगवार को टिकट दिया था, लेकिन उनका जब पर्चा खारिज हो गया तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। संतोष गंगवार अब खुलकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में है। अब कुर्मी बहुल सीट पर पिछड़ों और अति पिछड़ों का वोट एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद और पूर्व विधायक प्रवीण सिंह एरन को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने यह कदम एक रणनीति के तहत उठाया है, जिससे वैश्य समुदाय का वोट पार्टी को हासिल हो सके। प्रवीण एरन वैश्य समुदाय से आते हैं, लेकिन सपा की रणनीति अब काम नहीं आ रही है। असल में प्रवीण सिंह लगभग सभी चुनाव में मैदान में उतरे हैं, लेकिन वो बहुत करिश्मा नहीं कर पाए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पकड़ बहुत कमजोर है। प्रवीण सिंह एरन को मुस्लिम वोट एकजुट होकर मिल रहा है, लेकिन दलित वोटों में वो सेंध नहीं लगा पा रहे हैं। दलित वोट यहाँ इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो चुका है। अब उसका कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है, इसलिए दलित मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में काफी जोर आजमाइश चल रही है। वैसे नॉन जाटो मतदाता पूरी तरह से बीजेपी के साथ जा रहा है और जाटो मतदाता में बंटवारा हो सकता है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो बरेली लोकसभा में कुल 19,11,464 लाख मतदाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35% है। मुस्लिम मतदाता बहुतायत में होने के बावजूद उनका वोट हर बार बढ़ जाता है, यही वजह है कि यहां 8 बार से संतोष गंगवार सांसद है। वहीं कुर्मी मतदाताओं की अच्छी संख्या है, यही वजह है कि बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और इस कारण पार्टी ने इस बार भी कुर्मी नेता को ही प्रत्याशी बनाया है। बरेली में करीब 2.5 लाख ब्राह्मण मतदाता है, करीब 1.5 लाख वैश्य और कायस्थ मतदाता है। यहाँ ठाकुर 1 लाख, SC वोटरों की संख्या 2 लाख के करीब है, लोदी 1.5 लाख, जबकि अन्य बिरादरी के मतदाता है। जानकार बताते हैं कि बरेली लोकसभा सीट यानी संतोष सिंह गंगवार माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी की राहें इतनी आसान नहीं होंगी। ये तो माना ही जा सकता है कि छत्रपाल की पकड़ संतोष गंगवार जितनी मजबूत नहीं है। वहीं प्रवीण सिंह एरन गठबंधन के प्रत्याशी हैं और जनता के बीच रहते हैं, यही वजह थी कि 2009 में उन्हें संतोष गंगवार को हराने में मदद मिली थी। सांसद के अलावा प्रवीण सिंह एरन 2 बार विधायक भी रहे हैं।